यार चेक करो यार, क्या ही सीन है भाई। हाँ तो तेरा वीडियो कर रहे हैं। बैक टू माई YouTube चैनल कैसी ब्रिट फैमिली, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी बजे मॉर्निंग के 7:30 और आप लोग देख सकते हैं मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज राखी है और मैंने राखी वगैरह सारा कुछ अपनी बहनों से बनवा लिया और वो गिफ्ट भी दे दिया हूँ, तो आप लोग क्लिप में दिखा दूंगा। तो गाइज आप लोगों ने कल का ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग गए थे बरसाने राधा कृष्ण के मंदिर और अभी हम लोग हैं आगरा में अपने होटल के में और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं ताजमहल देखने के लिए, फिर आगरा फोर्ट देखने के लिए जाने वाले हैं। और गाइज आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट। फटाफट से बैग आपको एक बार होटल दिखाए, तो भाई साहब ये देखो ये था हमारा होटल द क्राउन करके था, तो इससे हम लोग रात में स्टे किया था। अभी डालते फटाफट से बैग गाड़ी में, ये मेरा जगह था बैग रखने का, ये कौन हटिया जगह बस जाएगा ना लगा देंगे भाई, इसको रखने दे यार। आटा आटा तो दिया हूँ लगता है क्या, तालिया भाई लग गया। हाँ तालिया, चलो भैया चलते हैं इधर से। अभी हम लोग जाने वाले ताजमहल के पास, यहाँ हम लोग अभी ताजमहल का जो पार्किंग एरिया वहाँ पे है, यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ताजमहल है, तो वहाँ हम लोग अभी फोटोज जाने वाले हैं। और ये हमारी कुछ गाड़ी आप देख सकते हो, इस गाड़ी से भी हम लोग यहाँ से ताजमहल के पास जाएंगे और टोटल यहाँ से 20 रुपया लगता है ताजमहल जाने के, तो चलो फटाफट अपने बैठते फिर आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ ताजमहल का। बाकी तो गाइस इधर देखो ये पूरा पार्किंग एरिया है, सिर्फ टूरिस्ट बस यहाँ पे, और ये वाला गाड़ी जो है ये लेके जाती है ताजमहल के पास, तो आपको पूरा रूट सीन सीन सब कुछ दिखाएंगे गाइस, फुल मजा आने वाला है। चलो ब्लॉग में चलते आगे। तो गाइस अभी आ चुका हूँ ताजमहल के अंदर, यहाँ से जो एंट्रेंस था वो सारा कुछ करके अभी अंदर आ चुके हैं। और ये कुछ दिया है इन्होंने अपने, जब ताजमहल में जाओगे तो ये पहनना है शूज में, ताकि उनका जो मार्बल्स वगैरह से जो बना हुआ है वो किसी तरह से गंदा नहीं। और गाइस यहाँ पर जो भीड़ है ना भाई, लिटरली इतना ज़्यादा क्राउड है ना, और गाइस मैं अभी पहुँच चुका हूँ उसके एंट्रेंस पे, और भाई एक बार व्यू चेक करोगे गाइस, ये देखो एक बार व्यू चेक करो, मैं तो जूम करता हूँ गाइस, ये देखो भाई व्यू देख रहे हो यार, व्यू देख रहे हो यार, क्या सही है भाई साहब, मतलब खतरनाक वाला सीन है। और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ही ज़्यादा क्राउड है, फॉरेनर से लेके इंडियन से लेके सारे को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसीलिए गाइस बोला जाता है भाई ताजमहल एक ऐसा ब्यूटी है ना, क्या ही मैं बताऊँ, शाहजहाँ ने बहुत ऐसी चीज़ बना के गए हैं ना कि भाई साहब ये कितना साल भी हो जाए भाई इसका जो चमक दमक है ना ये कभी ख़त्म नहीं हो। ये तो खैर एंट्रेंस है, जो मेन चीज़ है गाइस ये तो इसका एंट्रेंस पार्ट हुआ, जो मेन चीज़ है वो आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ यहाँ से, देखो मैं हल्का और जूम करता हूँ, देखो वो वाइट वाइट देख रहे हो, तो मेन थिंग तो वो है। तो अभी उधर चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा गाइस, खतरनाक वाला सीन होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं फिर आपको पूरा अच्छे से यहाँ का व्यू वगैरह दिखाऊंगा। सो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ गेट के पास, एंड चेक दिस आउट मैन, कितना ज़्यादा सुंदर है यार गेट, इतना सुंदर है, देख रहे ये पूरा गेट है यहाँ का अंदर जाने के लिए, वेस्ट गेट 1 बोल के इसको बोला जाता है, वेस्ट गेट 1। और अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाने वाले हैं भाई साहब, खाली खतरनाक वाला सीन है, क्राउड देखते हो यार, मतलब हर तरफ क्राउड ही क्राउड है, मतलब बहुत जगह के यहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे, फॉरेनर्स हैं इंडियंस हैं बहुत जगह से लोग आते हैं। और एक झलक तो भाई दिखा सकता हूँ मैं आपको, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ फिर आपको पूरा अंदर जाकर दिखाऊंगा, ये देखो एक बार, ये देख रहे हो गाइस,
अभी आपको थोड़ा बहुत दिखाया है, बंदर चलता हूँ फिर आपको अंदर पूरा व्यू दिखाऊंगा यहाँ का कैसा है नहीं है। तो चलो कैसे बंदर चलते हैं। तो भाई लोग फाइनली आ चुके ताजमहल के अंदर। मतलब भाई क्या ही सीन है यार, इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा विशाल भाई। और जो इसका ब्यूटी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको व्यू दिखा रहा हूँ, मैं अंदर जाके भी दिखाऊंगा एक बार, देखो दूर से मैं चल के जा रहा हूँ। गाइस यार चेक करो यार, क्या ही सीन है भाई, क्या जो ब्यूटी भाई, कितना ज्यादा वाइड है यार, मस्त लग रहा है देखने में। अब चलो अंदर चलते हैं, उसके अंदर जाएंगे हम लोग मकबरे के पास जो बना हुआ, उसमें भी जाने वाले हैं। और बाहर से जो व्यू आ रहा है भाई, मतलब अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट वाला व्यू है। ये देखो ये पूरा ये वेज बना हुआ जाने के लिए, आप लोग देख सकते हो। इसमें पहले तो पानी हुआ करता था, ये फाउंटेन्स वगैरह भरे हुए थे, पता नहीं अभी इसमें पानी क्यों नहीं है, ये मेरे को नहीं पता। बट द थिंग इज की भाई खतरनाक जगह है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, अल्टीमेट है भाई, वर्ड्स खत्म हो गए बोलने के लिए, इतना ज़्यादा ही सुंदर है। और यहाँ पे आप लोग देखो ये फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स भरे पड़े हैं भाई, इंडियंस तो ना के बराबर या थोड़े बहुत हैं, लेकिन फॉरेनर्स तो भड़ के। इनको देखो यार, ये इनका पोज देख रहे हो। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर, फिर आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। आप लोग पहले कुछ सिनेमैटिक्स से आके चेक करो। देखो हाँ, तुमको मत कुछ दिखा, तुमको पूरा दिखा हुआ ही रहता है ना। हाँ हम, अरे हम बोले, हम तो बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे, तुमको दिखा हुआ रहता है। ओह हाँ, पीछे और है, कभी अंदर जाएंगे फिर को भी दिखाते हैं। हाँ तो तेरा वीडियो कर रहे हैं। तो भाई लोग अभी आ चुका हूँ ताजमहल के बैक वाले पोर्शन, बैक वाले साइड में, जहाँ से कि आपको पूरा वो गंगा जी या यमुना क्या है मेरे को उसका आइडिया नहीं है, बट वो दिखता है। तो वो अभी देखने के लिए जा रहे हैं। और ये अभी बैक साइड है, अब इसके अंदर भी अभी लोग जाने वाले हैं। और इधर से आपको पूरा एक खतरनाक वाला सिनेमैटिक आपको निकाल के दिखाता हूँ, जो कितना ज़्यादा अच्छा भाई यहाँ का जो सीन्स है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, अल्टीमेट वाले सीन्स है यार, दिल खुश हो गया देख के। लेकिन मस्त मस्त मस्त, बहुत ही अच्छा सीन है। और मैं मस्त वर्ड तभी यूज़ करता हूँ जब कुछ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बोलते दिल को छू जाने वाली बात, उस टाइम में मैं मस्त मस्त वर्ड यूज़ करता हूँ। और ये भी आप लोग देख सकते हो, ये भी एक इसी का पार्ट है। अब मैं इसको पता नहीं भाई ये क्या सीन है, इसमें शायद जूते उतार के जाने के लिए बोला गया, इसमें भी बाद में जाऊँगा, पहले भैया इसके अंदर चलते हैं। और इसका एंट्री टिकट भाई, इसमें बस ये पर्टिकुलर वाइट वाले मकबरे में जाने के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 200 इसका टिकट है और 45 रुपीज़ की एंट्री का टिकट है, मतलब पकड़ के चलो 250 के आसपास आपको पूरा टिकट लगता है इधर। और इधर यहाँ से आपको पूरा यमुना दिखेगा। मम्मी बैक साइड क्या है यमुना? अच्छा मतलब उधर आपको यमुना मिलेगा, मैं गंगा बोल रहा था बट तो इंग्लिश को पता नहीं था, इधर आपको यमुना दिए, यमुना नदी है। तो चलो आपको यमुना थोड़ा सा दिखाता हूँ व्यू कैसा है यहाँ का। जाके हम लोग को ऑनलाइन टिकट में वो करना पड़ेगा, ऑनलाइन टिकट 200 का है और ऑफलाइन टिकट 250 रुपीज़ का है, मतलब हर जगह ऑनलाइन पे आपको सेविंग्स करने को मिलेगा। आप अंदर आओगे उस टाइम भी आपको 50 रुपीज़ के आसपास बचेगा, 5 रुपीज़ सॉरी, और जब इस पे करोगे तब 50 रुपीज़ के आसपास बचेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं और यहाँ पे देखते क्या।